एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी 11 बजे हैं। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग छतरी डाल के निकल गए हैं बारिश में, कुछ काम से निकले। क्या काम से निकले आप लोग देख पाओगे बाद में। पहले आप बैठो, पीछे मैं बैठूंगी। अरे तुम बैठोगे ना। बहुत दिन बाद हम लोग ऐसे बारिश में निकले हैं। कोल तो हम लोग छतरी के नीचे, मेरे भाई गाड़ी चला रहे हैं, पीछे हम दोनों, ये पीछे छतरी पर और बिलासपुर में गर्मी ही गर्मी थी। इधर आके पूरा मॉनसून ही मॉनसून ऐसा टाइप का फील हो रहा है। अचानक से वेदर चेंज हो गया ना, तो मजा आ गया। एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं साइकिल खरीदने छोटे बेटे के लिए, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए मेरी तरफ से उसके लिए बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से। ठीक है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत पहले ही निकल जाते हैं, लेकिन वेदर के कारण थोड़ा लेट हो गया और वीडियो भी थोड़ा इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मतलब गाड़ी में बैठ के ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाऊँगी, तो पहुँच के उसके बाद वीडियो करती हूँ। और तब तक आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ओके अभी चलते हैं। मैं लोहा हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिला अच्छा कुछ वैसा, तो कलर वाला भी पसंद नहीं आता, लड़की वाला है सब, इसीलिए हम लोग कहीं और जा रहे हैं। अभी हम लोग स्टेशन में हैं, तो हम लोग बाई ट्रेन एक दो स्टेशन बाद जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोकल जो है सब लोकल ट्रेन है, सब 5 मिनट बाद स्टेशन है। तो हम यहाँ से जाएंगे एक स्टेशन, दूसरे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से फिर देखेंगे कुछ अच्छा हम लोग के पसंद का मिलता है या नहीं। तो गाइस हम लोग साइकिल ले लिए, भी साइकिल के दुकान पे ही है, साइकिल पीछे चॉइस भी कर ली, सब कुछ हो गया, डेट मतलब पैसा वैसा फाइनल हो गया, ले लिए। अभी बस उसका थोड़ा साफ सफाई चल रहा है और वो अंदर पीछे मेरे हस्बैंड, आई डोंट नो, मुझे दिख भी रहा, मैं तो नहीं दिख पा रही क्योंकि बाहर थोड़ा लाइट के कारण से। मेरी बहन उस बीच में बार बार फ़ोन कर रहा है, तो जल्दी जल्दी फिर हम लोग को रिटर्न करना है। अभी तो मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं, तो हमें अभी जल्दी से जल्दी घर जाना है। 2 स्टेशन आगे हैं, अब उनको 2 स्टेशन पीछे जाना पड़ेगा। और बारिश भी फिर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया, तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको पहुंचना होगा, क्योंकि मेरी बहन बहुत बार फ़ोन कर चुकी है ऑलरेडी। हम लोग अपने स्टेशन पहुंच गए हैं, मेरे भाई लेने आए हैं, तो हम लोग अभी तीनों स्कूटी में घर तक जाएंगे। उसके बाद जल्दी से नहा के और कपड़ा चेंज करके उसके बाद मेरे बहन के घर, उस मतलब उन लोग के घर में। कभी मैं वेस्टर्न में गई नहीं हूँ, हमेशा इंडियन में गई हूँ, आई मीन इंडियन कपड़े में। तो मेरे को थोड़ा सूट वूट पहन के जाना है, तो घर जाके जल्दी से पहले तैयार होना है। और उधर भी बहुत कुछ हो ही गया है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 2 बज गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, मज़ा आ गया है गर्मी में बरसात में भीगने का। पीछे मेरे भाई साइकिल को ढकेलते हुए आ रहे हैं, हस्बैंड गली में प्रॉब्लम हो जाएगा साइकिल को लेके, इसीलिए वो आगे चले गए। तो बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में भीगने का। तो रेडी होके निकल गई, दुपट्टा मेरे हाथ में है, कपड़ा समेट के चल रही हूँ, ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब यहाँ आने के बाद पूरा वेदर ही चेंज हो गया, मॉनसून फीलिंग, हर चीज़ वही हो रहा है। तो हम लोग जल्दी से जाते हैं वहाँ पर, फिर पहुँच के मैं बात करती हूँ। इतना ज्यादा बिजी है कि मेरे साथ बात भी नहीं कर रहे। देखिए बाप रे बाप रे, बोलो कैसा खेलता, बोलो
क्या नाम है तो करो करो अरे अरे এখন জায়গা আছে উঠে চলে গেছে উপর হয়েছে দিদুন খাইয়ে দেবে তোমাকে দাঁড়াও দিদুন আশীর্বাদটা করে নি দিদুন খাইয়ে দিচ্ছি উচ্ছে কোথায় গেল উচ্ছে উচ্ছে কোথায় গেল সব তো খেয়ে নিয়েছি উচ্ছে কোথায় গেল अपने भाई का छोटे भाई का साइकिल कैसा लगा बोलो बहुत अच्छा लगा भाई ने तो कुछ कहा नहीं अब रियो ही कुछ कहेगा कैसा लगा बहुत अच्छा लगा चलो बहुत अच्छी बात है मम्मी और ये मेरी नानी और इधर थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना हाँ लाइट ऑपोजिट है इसलिए और वो मेरे पुराने वाले पति ये पुराने वाले पति तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं दिखाती हूँ क्या क्या है मेनू में ये आलू पनीर है फ्राइड राइस है इधर सलाद है और चिकन आ रहा है और इधर मेरे हस्बैंड है और उधर एक भाई है और ये मेरा रियो है खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए निकले इधर अच्छा लगता है चारों तरफ हरियाली हरियाली इधर पीछे है क्योंकि इधर आसपास ना नर्सरी है बहुत बड़ा और ये देखिए ये सारे पौधे हैं आम के जो क्राफ्टिंग के लिए हाँ पूरा मतलब ये भरा हुआ है ना सारा आम का है मतलब इसमें करीबन पता नहीं मतलब गिन के भी नहीं बता सकते कि हज़ारों से ज़्यादा होगा आम के पौधे हैं जिसमें ग्राफ्टिंग किया गया है ग्राफ्टिंग किया गया है आम का ऑपोजिट साइड में मेरी बहन का घर और उन लोगों का दुकान है सामने ये सदियों बाद पेड़ के छोटे छोटे पत्ते हैं जिससे बबल बनता है रियो बबल इधर आए बबल गाड़ी देखे आज भी गाड़ी 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 इधर गाड़ी और देखो और मेरी बात बचपन का मतलब ये चीज मैं बहुत मिस करती हूँ वहाँ पे रियो मम्मी वाह इसे हम लोग मोबाइल बनाएंगे मम्मी मैं थोड़ा सा करूँ ये ना इसका ये अंदर इसका इसको क्या बोलते हैं मतलब एक लिक्विड टाइप का निकलता है व्हाइट कलर का उसी से ये मतलब बबल बनता है मजा आ गया बच्चन मतलब छोटे थे तब करते थे एक रियो करेंगे और एक मैं करूंगी आप भी करोगे नहीं आराम से हल्का सा बस 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 अब इसको आराम से देखो हाँ बस अब फूक मारो हाँ आराम से आहिस्ता ये वाला अच्छा नहीं था ये वाला चलो एक और वाला ले एक और नहीं दे ए चुप है अच्छा कुछ नहीं होता ये बचपन का मेरा है চলে আসো হয়ে গেছে
अभी अभी केक कटिंग होगा, केक कटिंग। ওনার ভাই করে ওই বড়টা জ্বালা, বড়টা জ্বালা, ওগুলো আপনি আপনি জ্বলে যাবে, ওটা খুলে যাবে, ওটা ফুল ফুটবে। হ্যাঁ এই তো হয়েছে 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 হয়েছে। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আরে হ্যাপি বার্থডে, যাও যাও দাদা, আগুনটা কমু। আরে মেন তো ক্যান্ডেলটা জ্বালাও, ক্যান্ডেল জ্বালাবে ও বুঝাবে। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, আপনি দাঁড়ানো হয়ে গেছে এখানে। আসো তোমরা, আসো তোমরা, আসো বাচ্চা। গান হচ্ছে না কেন যদি? এই শোনো, আসো এদিকে, আসো এই এদিকে, আসো ওদিকে, যাও ওদিকে, যাও ওদিকে, যাও ভাইয়ের কাছে যাও। চুপ করো, এখন চুপ করো, ভাই হাত ধরো, সবাই ভাই, চলো 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 কেক কাটো। কুদাও কুদাও, আরে কুদাও কুদাও। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ডিয়ার আসমান, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। এই ওইটা ক্যান্ডেল, আচ্ছা ক্যান্ডেল জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে বুঝানো হয়ে গেছে। কি করলো तो हम लोग अभी जा रहे हैं हेयर कट लेने। सुबह का हेयर कट अभी होगा, लोगों का पार्टी कंप्लीट। कल हम लोगों को कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो ब्लॉग में पता चल जाएगा। बट अभी हम लोग, मैं रियो, हम लोग हेयर कट लेने जा रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन थोड़ा अपना लुक चेंज करके आते हैं पहले। तो गाइज मैं आ गई हूँ पार्लर, और अभी मेरा हेयर कटिंग होने वाला है। उधर पीछे वो वाइट टी शर्ट में मेरा भाई, बगल में मेरे हस्बैंड, और सामने ये रियो बकर बकर करती जा रहा है, उसको अपना प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करवा ली, क्योंकि मेरे को कल ना मेरे को टाइम नहीं मिलेगा और हमको कहीं जाना है, क्योंकि इसीलिए मैं यहीं से हेयर वॉश करा ली। कितना अच्छा सुकून मिल रहा था, वाह। दो तीन घंटे के बाद फाइनली अभी घर आ गई हूँ, अभी रास्ते में हूँ। घर जाके थोड़ा अपना हेयर कट भी दिखाती हूँ, रियो का भी दिखाऊंगी। तो आ गई घर, मेरा न्यू हेयर कट, अच्छी लग रही हूँ। जितना लेंथ था उतना ही रखी हूँ, उसमें भी हेयर कट मतलब थोड़ा सा कुछ अलग डिफरेंट। और तो गाइस अभी 9:30 हो गया है, तो अभी खाना ना खा के सोना है, क्योंकि कल सुबह उठना है बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक 4 बजे के आसपास उठना पड़ेगा, 4:30 उठना पड़ेगा। 6 बजे से पहले हम लोग का बस है। कल हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं क्या करें वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और कहाँ जा रहे हैं क्या करें वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिख जाएगा, और बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।